वेलकम टू माय चैनल लॉ फ्रॉम 15। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। आज हम पढ़ने वाले हैं कि 19वीं सेंचुरी में क्या प्रॉब्लम थी इंडियन सोसाइटी के अंदर जो लोगों को वो दिक्कत दे रही थी। सबसे पहली बात, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा था उस टाइम, ब्रिटिश शासन था इंडिया के अंदर। वो जो हमारे रिसोर्सेज थे खुद यूज कर रहे थे और बाहर बेच रहे थे। जो इंडियन थे जो रिसोर्सेज को बना रहे थे, ग्रो कर रहे थे, उनके ऊपर हैवी टैक्स लगा रखा था। और जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे या बिजनेसमैन थे, उनका बिजनेस उन्होंने ठप कर दिया था, उनके ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया था। ना वो कहीं एक्सपोर्ट कर सकते थे, एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके ऊपर हैवी टैक्स था। अगर उनका खुद का बंदा एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करा है तो उसके ऊपर बहुत मिनिमम चार्जेस थे, बहुत ना के बराबर। फिर दूसरी बात है सोशल इनइक्वालिटी। उस टाइम कास्ट सिस्टम था जिसके अंदर अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में बहुत मतभेद थे। एक दूसरे को दूसरी नज़र से देखते थे। अगर पर लोअर कास्ट का है तो उसके साथ नहीं बैठना, नहीं खाना। लोअर कास्ट का बंदा उस टाइम नहीं पढ़ सकता, नहीं साथ बैठ सकता। उस टाइम इक्वलिटी बहुत कम थी, जितनी इक्वलिटी आज है उस टाइम बिल्कुल इक्वलिटी नहीं थी। उस टाइम ये था कि लोअर कास्ट वाला बंदा बहुत नीचे रहता था, बहुत बुरी हालत थी। अपर कास्ट वाला डोमिनेट करता था और इन दोनों के बीच में अनबन चलती रहती थी। फिर तीसरा है पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म। पॉवर्टी, ऐसे मान लो कि ब्रिटिश शासन ने इतनी इकोनॉमिकल पॉलिसी लगा दी थी, इतने हैवी टैक्सेस थे इंडियन के ऊपर। अगर वो टैक्स नहीं पे कर पाए थे तो उसके ऊपर भी टैक्स, और जो क्रॉप थी वो उसे खरीद लेते बहुत मिनिमम रेट में और ना ही उन्हें कहीं और बेचने देते थे। ऊपर से नए नए टैक्सेस लगा देते थे। अगर उनका खुद का ही बंदा है कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर बहुत मिनिमम चार्जेस थे या कई बार माफ भी कर देते थे। फिर फोर्थ है हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंदर था जेंडर, इसके अंदर मेल और फीमेल में बहुत डिफरेंस था। मेल टाइम मेल एक शादी, अगर वो दूसरी उसकी बीवी मर गई तो वो दूसरी शादी कर सकता था, पर वुमेन के अंदर ऐसा नहीं था। अगर वुमेन का पति मर गया है तो वो विधवा है और ना वो दूसरी शादी कर सकती थी। उस टाइम सती प्रथा भी चल रही थी, उस टाइम चाइल्ड मैरिज भी बहुत ऊपर थी और वहाँ पे डोरी भी ली जाती थी शादी के अंदर। पर्दा सिस्टम था, वुमेन्स को आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम कहीं आने जाने की ना, उनके पास एजुकेशन का वो था कि वह एजुकेशन ले ले स्कूल या किसी कॉलेज में जाके, ना एम्प्लॉयमेंट, उनको हक ही नहीं था एम्प्लॉयमेंट का उस टाइम। बस आदमी ही कोई था उस टाइम, आदमी ही कोई ही हक था चीज का। फिर हमारे पांचवी बात करते रिलीजन कन्वर्शन। इसके अंदर किसी इंसान को दूसरे धर्म में बदल देना, उस टाइम क्रिश्चियनिटी बहुत पीक पे था, क्रिश्चियनिटी हो गया या इस्लामिक कन्वर्ट करना हो गया, ये दो ऐसे थे उस टाइम जो पीक पे थे। सबसे ज़्यादा पीक पे था क्रिश्चियन। इस टाइम जब इंडिया के अंदर क्रिश्चियन आए थे, उन्होंने स्कूल करे, हॉस्पिटल, काफ़ी चीज़ें ऐसे ओपन करी जिससे लोग दूसरे वाले बंदे अट्रैक्ट होते थे, और अट्रैक्ट होते थे तो उनके चर्च वगैरह उनके जैसे उनके बिहेवियर उनको देखते थे बहुत अट्रैक्ट होते थे, या कई बार तो ज़बरदस्ती उनके थ्रू कन्वर्ट करवा दिया जाता था, ये कह के अगर तुम क्रिश्चियन हो तो तुम्हें इतना हैवी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारे पे इतना जुल्म नहीं होगा, तुम भी हमारे इतना ही एक क्लास में आ जाओगे। वो इंडियंस को लोअर क्लास का मानते थे, खुद को बहुत अपर क्लास का मानते थे। इस सब चीज़ों को देख के तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते थे। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका देखा जा सकता है केरल साइड में, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनका साउथ साइड में। इस चीज़ को देख के लोग इन्फ्लुएंस हो गए, फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी में आने लग गए। फिर सिक्स्थ है रिलीजियस एंड क्रिमिनल टेंशंस। इंडिया उस टाइम अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी रिलीजियस को लेकर। जैसे कि ले लो 1947 के अंदर पार्टीशन होने वाला है, पार्टीशन था इंडिया और पाकिस्तान का। इसके में इतना वायलेंस हुआ, इतना बुरा वायलेंस हुआ, जैसे 6 पॉइंट में लिखा है ना रिलीजन कम्युनल टेंशन। 19वीं सेंचुरी का एक पार्ट है,
जिसके अंदर एक इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जो इंडिया और पाकिस्तान में थे, अगर इंडिया में जो पाकिस्तान में जो इंडियंस थे हिंदू थे उनको मार के भेजा जा रहा था, और जो यहाँ पे इंडिया के अंदर मुस्लिम थे फिर उन्हें मार के भेजा जा रहा था। जो स्टार्टिंग हुई थी वो बेसिकली पाकिस्तान से हुई थी, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई थी, वो पहुँचते पहुँचते फिर इंडिया तक आ गई। बहुत मैसिव वायलेंस था कि ट्रेनों में भर भर के ऐसी डेड बॉडीज आ रही थी। फिर हम जानते रिजिस्टेंस क्या है। रिजिस्टेंस या रिजिस्टेंस ये हमारा फ्रेंच वर्ड से आता है, जिसका मतलब है रीबर्थ, किसी को दोबारा जीवित करना। ये हमारा एक यूरोपियन सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बाहर का कॉन्सेप्ट है जो इंडिया के अंदर आया गया। ये रिजिस्टेंस में ये होता है कि किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में जानना, उसके अंदर से नई चीज़ें निकालना, क्या अच्छी है क्या बुरी है। 19th सेंचुरी के इंडिया के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी रिलीजन्स को लेके, लोग बहुत सारे कॉम्प्लिकेट थे रिलीजन को लेके, उसके प्रैक्टिस को लेके, रिचुअल इतने वैसे थे कि बलि देना भगवान को खुश करने के लिए, अजीब वो गरीब प्रथा बहुत जो नेगेटिव इंपैक्ट करी थी सोसाइटी के अंदर, और प्लस डिप्रेसिंग था लोगों के लिए, उनके लिए समझ पाना आसान नहीं था कि उनके लिए कौन सा रिलीजन बढ़िया है या कौन से कैसे प्रैक्टिस करनी है अपने रिलीजन की। उस टाइम ब्लड क्या कहते हैं बलि प्रथा बहुत पीक पे थी, और उसी टाइम हमारे राजा राजमोहन जो हमारे ब्रह्मो समाज के फाउंडर भी थे और फादर भी कहा जाता है इंडियन रिजिस्टेंस का, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बदलाव की 1920s के अंदर इंडिया को और इंडिया की सोसाइटी को प्रॉब्लम को हटाने के लिए। फर्स्ट है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स, इनके टाइम में इंडिया के अंदर काफ़ी चीज़ें इवॉल्व हुई, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन आइडिया, इंस्टीट्यूशन काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये सारी चीज़ें इनके टाइम पर आई, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, मशीनरी हो गई। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न, काफ़ी सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस जो ब्रिटिश से ब्रिटिशर के थ्रू इन्फ्लुएंस हुई इंडियंस के अंदर, जैसे रैशनैलिटी, देश को लेके एकता, साइंटिफिक इंक्वायरी, इंडिविजुअल फ्रीडम, एक बंदे की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपनी सोच भी आगे रख सकता है, वो किसी भी चीज़ को चैलेंज कर सकता है, नॉर्म्स को या किसी भी सोशल रिफॉर्म को या उसके बारे में बता सकता है। इसके अंदर ये था वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंदर ये था कि वहाँ पे लोगों को आज़ादी थी अपनी बात बोलने का, और साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक रिसर्च उस टाइम होने लग गए थे, जैसे मशीनरी आ गई थी, आर्टरीज आ गई थी, वेपन्स आ गए थे, इस सब चीज़ों से लेके इंडियंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। फिर है सोशल रिलीजन रिफॉर्म। सोशल रिलीजन रिफॉर्म क्या हुआ, इस टाइम काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आए, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, थेरेपी और सोसाइटीज, इनका ये एम था जो कन्वर्जन चल रहे थे ना इंडिया के अंदर, जो हिंदूज को मुस्लिम में क्रिश्चियन में जबरदस्ती कैसे भी उन्हें करा जा रहा था, कन्वर्ट करा जा रहा था, उन्हें बचाने के लिए ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ये सारी सोसाइटी फॉर्म हुई, ने बताया गया कि आपके लिए अच्छा नहीं है या आपको फंसाया जा रहा है। इनका बस एम था कि कैसे ना कैसे अपनी अपने क्या कहते हैं किंगडम को बचाए, जैसे मान लो एक राज्य के ज़्यादा बंदे होंगे तो पावर तो उसी की होगी ना, जैसे इंडिया के अंदर इंडियंस पहले हिंदू थे सबसे ज़्यादा, तो एक एकता थी, फिर मुस्लिम आए, फिर उन्होंने कन्वर्ट करना चालू कर दिया अपने में, जैसे एक होता ना भाई भाई वो वाली चीज़ ज़्यादा आ गई, इसे प्रमोट से इसलिए करा जाता है रिलीजन कन्वर्जेशन। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए काफ़ी सारे रिफॉर्म आए, काफ़ी सारे स्कूल्स आए, काफ़ी सारे हमारे फिजियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने बताया कि कैसे इन सब चीज़ों से बचाया जा सकता, और उन्होंने बचाया भी, जितने हद तक बचा सकते थे उन्होंने बचाया। फिर इनके अंदर इन स्कूल्स के अंदर और इन सोसाइटीज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई वुमेंस के राइट्स के लिए और एजुकेशन के लिए। फिर नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंडियन रेजिस्टेंस के अंदर इन
इस चीज ने आजादी के लिए और भी मोटिवेशन बढ़ा दी, जो डेवलप्ड हुई सोसाइटी में, जो एक कन्वर्जेशन को हटाया गया, कास्ट सिस्टम को मिनिमाइज करा गया, और काफी सारी चीजें ऐसी जो हमारे नेशनलिज्म को, इंडिपेंडेंस के मूवमेंट को लीड कर सकती थी। जो 80-70 का मूवमेंट फेल हो गया था, फिर उसके बाद काफी सारी दिक्कतें देखी, क्या क्या चीजें, जिस कारण हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट 80-70 का फेल हो गया था। उन सब चीजों को इस चीज ने लीड करा, जो इंडिया इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म हुआ, जैसे कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म करा, एजुकेशन कराई गई और कन्वर्जेशन को हटाया गया, इक्वेलिटी लाई गई सोसाइटी के अंदर। द इंटेलेक्चुअल लीडर राजा राम मोहन, स्वामी विवेकानंद, गांधी, प्लिया फोर्थ, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल था इनका एक नेशनल, एक देश की आज़ादी के लिए जो इन्होंने करा है, एक्सपायर लोगों को मोटिवेट करा, काफ़ी सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म हुए, पार्टीज बनी जो हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए जो लीड कर सकती थी, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, जो ऐसे मूवमेंट जो बहुत, जिन्होंने लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करें इंडिपेंडेंस के लिए कि आज़ादी ज़रूरी है। प्रे एजुकेशन सोसाइटी के अंदर, एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन करी गई, काफ़ी सारे स्कूल खोले गए, कॉलेजेस खोले गए, हर क्लासेस के लिए। इसके अंदर रहता है कि हर एक क्लास का बंदा साथ में बैठ के पढ़ सकता है, कोई अपर नहीं कोई लोअर नहीं, सबके लिए एजुकेशन एक बराबर है। फिर इसके अंदर हमारा था लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक रिवोल्ट। इस 1927 में हमारे लिटरेसी भी डेवलप हुए, जो हमारे लिटरेसी वर्क था, जैसे लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की तरफ काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए, और कल्चर एक्सप्रेशन, जो हमारे राइटर थे रविनाथ टैगोर एंड बंकिम चंद्र चटर्जी, ये बहुत, इन्होंने बहुत सारा काम करा जो लिटरेसी को बढ़ा सकता था, और काफ़ी आर्टिस्टिक वर्क करा जो हमारे दिखाते ट्रेडिशनल आर्ट को कैसे रिफॉर्म करा गया, कैसे सोसाइटी में प्रमोट करा गया, ये इस चीज़ के बारे में बताता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।